सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। कैसे रही आज आपकी ट्रेडिंग? तो चलो बात कर लेते हैं कल के हमारी जो हमने गेम प्लान डिसाइड करा था उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने आज कैसे बिहेव करा है, और उसके बाद अपन डिस्कस कर लेंगे कि हमारी मंडे की गेम प्लान्स क्या रहेंगी। ओके, तो अब देखो, कल मैंने आपसे कहा था कि मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि आज मतलब ऑन फ्राइडे या फिर मंडे बैंक निफ्टी 41,000 के लेवल तक फॉल करेगी। ठीक है, इसके पास नीचे का एक इतना जोन है यहाँ तक गिरने के, यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस रहेंगे। ठीक है, मैंने आपसे क्लियरली कहा था। तो बैंक निफ्टी आज देखो मॉर्निंग में यहाँ ओपन हुई है, यहाँ रिट्रेस करके आज 900 तक यहाँ पे आज मार्केट ने बैंक निफ्टी ने फॉल दिया है। ठीक है, अगर आपने इस बेसिस पे ट्रेड किया होगा पुट साइड में तो आपने अच्छा पैसा बनाया होगा। अब कल क्या होगा, अब कल कल की गेम प्लान्स क्या रहेंगे हमारी? तो अब देखो, निफ्टी बैंक निफ्टी कल अगर 40,900 के पास ही अगर ओपन होती है, ओके, तो आप यहाँ से कॉल बाई कर सकते हो। ओके, यहाँ से बाइंग कैंडल्स बनने चाहिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 40,950 के ऊपर, ओके, फर्स्ट टारगेट होगा 41,170, और चांसेस रहेंगे इसका ब्रेकआउट आएगा और मार्केट यहाँ मोस्ट प्रोबेबली आएगी। ठीक है, अब बस ये समझो कि यहाँ आ चुकी है तो मैक्सिमम चांसेस रहेंगे अब मार्केट ऊपर की तरफ अब जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए आप ये वाला गेम प्लान फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी नियर ओटीएम स्ट्राइक प्राइस चूज करना, ओके, यहाँ पे कॉल बाई कर सकते हो, बशर्ते इसके नीचे यहाँ पे कोई सेलिंग कैंडल्स नहीं बनना चाहिए, इसके ऊपर बाइंग कैंडल्स बनना चाहिए, उसके बाद आप कॉल बाई करके 41,500 के आसपास तक का टारगेट ले सकते हो। ठीक है, दूसरी गेम प्लान रहेगी अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है और 200 के ऊपर अगर ओपन होती है तो यहाँ पे भी आप कॉल बाई कर सकते हो, सेम चीज रहेगा, 41,500 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। ओके, गैप अप ओपन हो जाती है अगर 41,520 के नीचे, तो ये वाला फिर से यहाँ पे सेलिंग आएगी, ये एक करेंट सप्लाई जोन है तो यहाँ से सेलिंग आ सकती है, एटलीस्ट यहाँ तक 41,180 तक का सेलिंग आ सकता है। तो यहाँ पे आप पुट साइड में आप प्ले कर ट्रेड कर सकते हो 41,000 और नियर ओटीएम स्ट्राइक प्राइस चूज करके, या फिर एटीएम और चाहो तो आप इन द मनी भी स्ट्राइक प्राइस चूज करके आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। ओके, तो ये हमारी बैंक निफ्टी गेम प्लान रहेगी ओवरऑल मंडे के लिए, है ना? अब निफ्टी का देख लेते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो, इतनी बेहतरीन इतनी एक्यूरेसी वाली गेम प्लान्स आपको और कहीं तो मिलती नहीं होगी। चलो अब निफ्टी का देख लेते हैं, निफ्टी में क्या हुआ आज कल के कंपैरिजन में। तो आज निफ्टी यहाँ पे ओपन हुई थी, यहाँ से मैंने एक लॉन्ग साइड गेम प्लान भी दिया था, और इस जोन तक 18,040 के आसपास तक का मार्केट यहाँ आई और यहाँ से फॉल कर गया। ओके, यहाँ से देखो मैंने कहा था 17,900 तक फॉल करेगी, और 17,900 तक फॉल करी है मार्केट ने और यहाँ से बाउंस हुई है। एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी दिया था, उसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके, ये एक डिमांड जोन दिया था, इसी डिमांड जोन से सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बनाई है। तो चांसेस रहेंगे मार्केट अभी फिर अब ये जोन है ना, या मैक्सिमम अगर फॉल और करना होगा तो 17,850 तक फॉल कर सकती है। ओके ओके, और यहाँ से फेक फॉल्स ब्रेकआउट करके ऊपर आ जाए। ठीक है, तो अब चांसेस मैक्सिमम चांसेस रहेंगे यही रहेंगे कि मार्केट अब पॉजिटिव वे में ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, नीचे जितना जाना था मोस्ट प्रोबेबली मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग अब नीचे की फॉल कंप्लीट हो चुकी है। ओके, तो अब उसके लिए क्या प्लान कर सकते हैं अपन कि 17,970 के ऊपर अगर आती है मार्केट, ठीक है, ओपनिंग में या फिर कभी भी आती है तो आप यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हो, कोई भी एटीएम स्ट्राइक प्राइस ले लेना, एट द मनी स्ट्राइक प्राइस, और यहाँ से कॉल बाय करके फर्स्ट टारगेट होगा 18,1660, और इसका भी चांसेस रहेगा कि इसका ब्रेकआउट आ सकता है, मैक्सिमम चांसेस रहेंगे, और 130 तक का टारगेट ले सकते हो आप। ओके, ये कॉल साइड का गेम प्लान रहेगा। पुट साइड में गेम प्लान क्या रह सकता है कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन जो कि 17,880 के नीचे आ सकती है, ठीक है, तो इस पे पुट बाय कर सकते हो। आपको देखना होगा कि ये जो जोन है 17,850 इसका ब्रेकडाउन आए, यहाँ रिट्रेस हो जाए तब रिट्रेसमेंट पे भी एंटर कर सकते हो, वापस से यहाँ सेलिंग कैंडल्स बनते हैं तो पुट बाय कर लो। इसके नीचे अगर आती है डबल कंफर्मेशन होगा तो आप 17,800 तक का टारगेट ले सकते हो पुट साइड में। ओके, तो ये हमारी निफ्टी की रही रहेगी गेम प्लान। ओके, अब आई होप आपका मंडे प्रॉफिटेबल रहे, है ना? वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, काफी इतनी एक्यूरेसी वाली चीज देता हूँ और आपके लाइक्स नहीं आते हैं तो ये डिस्करेजिंग लगता है। चलो मिलते हैं, बाय बाय।